तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम दो सबसे बड़े यूनिवर्स के बीच में बड़े से बेट कराएंगे, मतलब बड़े यूनिवर्स के बीच में। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो बैंटे के बारे में तो जानते होंगे। बैंटे एक ओवर पावर सुपर हीरो है, ये हम सब जानते हैं। और अपने ट्रांसफॉर्मर प्राइम सीरीज तो देखी होगी 2030 वाली, और इसका तो सिनेमैटिक यूनिवर्स भी आ चुका है। ये बहुत ही ऑसम बड़ा एंड डेंजर यूनिवर्स है। तो आज हम इन्हीं दोनों बड़े यूनिवर्स के बीच में बड़े से बेट कराएंगे, और हम इसका कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज, इसका सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि DCU, और साथ में इसकी कॉमिक्स से भी लेंगे, जो कि ये फाइट ऑसम हो जाए। और कुछ लोग बोलते हैं कि बेंटे एक बार में स्पीक ही में चेंज हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेंटे एलियन फोर्थ में, जैसे कि हमने देखा था डब्ड एपिसोड में, कि बेंट ने एको एको बनकर अपने क्लोन बना लिए थे, वो भी ऑप्टिक्स पहने हुए। तो जितने लोग होंगे सामने उतने क्लोन बना सकता बेंटे, तो इस वास्ते बेंटे बिल्कुल नहीं हारने वाला, बिकॉज बेंटे अनलिमिटेड क्लोन बना सकता है और अपनी आर्मी भी बना सकता है। और इस फाइट को हम बेंट के लेवल्स के हिसाब से करेंगे। तो हम इसके लेवल्स जान लेते हैं। इसमें आते हैं स्ट्रीट लेवल, मेटा लेवल, हेड लेवल, स्काई फादर लेवल, सेलेस्टियल लेवल, गॉड लेवल, देन सुप्रीम बीइंग लेवल। तो कुछ मान बाबा मुझे कमेंट में जज करेंगे कि पूरी की पूरी अपग्रेड स्पीसीज यानी कि गैल्वेनिक मेकामॉर्फ भी ट्रांसफॉर्मर्स को खत्म कर सके। तो ट्रांसफॉर्मर्स के राइटर्स क्या कर रहे थे, उस सर्दी में मार्वल भी क्या कर रहा था। उन्होंने दो स्पीसीज बनाई है, इसकी स्क्रेपलेट जो कि किसी भी मेटल को खा सकता है, और अपग्रेड किससे बने हैं, नैनाइट से। और नैनाइट भी एक तरह का मेटल ही है, इसकी नैनो टेक्नोलॉजी भी एक तरह के मेटल से ही बनी होती है, यानी कि नैनो पार्टिकल्स से, वैसे नैनाइट भी हैं। और अब हम बात करते हैं स्ट्रीट लेवल के। और बेंटे कुछ स्ट्रीट लेवल के एलियन और कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि फीडबैक, ह्यूमंगस, और एको एको, बिग चिल, सॉक स्क्वैच, बिल गेट्स, केविन, ग्वेन। और ये कैरेक्टर बिल्डिंग उड़ाने का दम रखते हैं। और स्ट्रीट लेवल के कुछ कैरेक्टर्स हैं ट्रांसफॉर्मर्स की तरफ से, इसकी आर्चेट, स्टारस्क्रीम, व्हीलजैक, नॉकआउट, ब्रेकडाउन। उस लेवल में दोनों के जीतने के चांस 50-50%। और जो नेक्स्ट आता है वो है मेटा, बेंटे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं बेवेग, अटोमिक, और गोस्ट फ्री ग्रेविटी, केविन लेविन, अल्टीमेट एलियन फॉर्म में जाना पड़ सकता है इस लेवल पर बेंटे को। और इसमें केविन लेविन का बेटा यानी कि डेविन एलेवन भी एग्जिस्ट करता है, बिकॉज डेविन एलेवन के पास में जन्म से ही 11 एलियंस की पावर थी, और साथ में फुल कंट्रोल भी था उन पावर्स पर। उस मेटा लेवल के कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि सुप्रियोन, ड्रिफ्ट, जेटफायर, एंड ऑटोबॉट ट्रांसफॉर्मर, डिसेप्टिकॉन सीरीज के सारे ट्रांसफॉर्मर्स आते हैं, लगभग सभी आते हैं इस लेवल पर, वो भी सिंगल फॉर्म में, ये अकेले ही पूरे प्लैनेट उड़ाने का दम रखते हैं। और मेटा लेवल के कैरेक्टर एक प्लैनेट को उड़ाने का दम रखते हैं, और अगर एक साथ मिलकर काम करें तो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को उड़ाने का दम रखते हैं। और इस लेवल में बेंट के जीतने के चांसेस 70%, ट्रांसफॉर्मर्स के 30%। और जो नेक्स्ट लेवल आता है वो है हेराल्ड लेवल, एंड बेंटे यूनिवर्स के हेराल्ड लेवल के कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि एंड्राइड, हाइब्रिड, सर्ज, और मालवेयर, डॉक्टर साइकोबोस, अल्बिडो, इयोन, इविल बेबी, एरोडाइट जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो अनलिमिटेड माना क्रिएट कर सकती है, सर्ज जिसके पास में एक तलवार है वो भी अजमत की दी हुई, और वो तलवार बेन की उम्र इतनी पावरफुल है, हाइब्रिड जिसको बेन भी डिफीट नहीं कर पाता, ये बहुत बड़ी आर्मी होते हैं, मालवेयर जो कि किसी भी मशीनरी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, डॉक्टर साइको जिसने 2 हफ्ते में ही बेन के उम्र की कॉपी बना दी थी, उसको उसने नाम दिया था नेमेट्रिक्स, और यून जो कि टाइम के साथ में खिलवाड़ कर सकता है, और उसकी वजह से इतने सारे अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाते हैं, वो हमेशा टाइम में आगे जाता रहता है, पीछे जाता रहता है, टाइम के साथ में खेलता रहता है, अल्बिडो जिसको बेन भी डिफीट नहीं कर पाया था, बस अल्बिडो इस बात से हार जाता कि इज़्ज़त ने एलियन लॉक कर रखे हैं अल्बिडो कॉम्प्लेक्स में, इविल बेबिक जो कि बेबिक से भी ज़्यादा पावरफुल है। और इस हेराल्ड लेवल के कुछ कैरेक्टर्स हैं ट्रांसफॉर्मर्स में, कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे कि जैक, फॉर्च्यून, मैक्सिमस, आरसी, अल्ट्रा मैग्नस, और प्राउल। फॉर्च्यून मैक्सिमस जो कि बहुत ही पावरफुल है, वो अकेले 5 ऑटोबॉट की पावर जितनी पावर अपने अंदर रखता है। आरसी इसने ऑटोबॉट से डिसेप्टिकॉन दोनों में ही काम किया, और दोनों को ही कर दिया अल्ट्रा मैग्नस, प्राउल और जैक, ये तीनों ही जो ऑप्टिमस प्राइम है उसकी पावर जितनी भी पावर रखते हैं, बस ये प्राइम नहीं है। और साथ ही में ऑटोबॉट, प्रेडिकॉन, ट्रैप्टिकॉन और डिसेप्टिकॉन के ग्रुप इसी लेवल पर एक साथ में एग्जिस्ट करते हैं, और ये कैरेक्टर हेराल्ड लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं। और हेराल्ड लेवल के कैरेक्टर हाफ यूनिवर्स को उड़ाने का दम रखते हैं, और इस लेवल में मुझे लगता है बैन के जीतने के चांसेस हैं 60%, और ट्रांसफॉर्मर्स के जीतने के चांसेस हैं 40%। देन जो नेक्स्ट लेवल आता है वो स्काई फादर लेवल, बैन के तब से कुछ कैरेक्टर हैं जैसे कि अटोमिक्स, डायगोन, बिल गेट्स, ड्रैगन फॉर्म। अटोमिक्स जो कि बेंटे का सेकंड मोस्ट पावरफुल एलियन है, डायगोन जो कि एक एक्स्ट्रा डिमेंशन भी है, उसको इस डिमेंशन में मारा नहीं जा सकता, वो सिर्फ एक एनर्जी है,
और बिल गेट्स ड्रैगन फॉर्म, जो कि ये बिल गेट्स की सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म है और इसमें बिल गेट्स और ड्रैगन दोनों की पावर है और इसका फायदा लेवल के कैरेक्टर रियलिटी बार्फिंग कर सकते हैं और पूरी के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। कई फादर लेवल के कुछ कैरेक्टर्स हैं ट्रांसफॉर्मर्स में से, जैसे कि ऑप्टिमस प्राइम, मेगाट्रॉन और साथ ही में प्रेडिकिंग भी आते हैं इस लेवल और साथ में बम्बल बी भी, क्योंकि बम्बल बी ने ही मेगाट्रॉन को मारा था ट्रांसफॉर्मर प्राइम सीरीज में। ऑप्टिमस प्राइम की अब तक कोई भी पावर ज्यादा अच्छे तरीके से हमें देखने को नहीं मिली है, बिकॉज वो अपनी पावर को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन वो थर्टीन प्राइम की पावर डिजर्व करता है और उसने मेगाट्रॉन और यूनिकॉर्न को मारा है। और मेगाट्रॉन जिसके अंदर यूनिक्रॉन का खून है और डार्क एनर्जोन है, तो डार्क एनर्जोन किसी भी ऑटोबॉट के ऊपर अगर गिर जाए तो उसकी जान भी ले लेता है। और प्रेडेकिंग जिसने लगभग मेगाट्रॉन को मार ही दिया था। नेक्स्ट लेवल आता है बहुत सही स्टेट लेवल और बैन की तरफ से कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे कि प्रोफेसर पैडॉफ, नालजियन, बैन 10,000, मार्टुएंट, वेन 10,000 और केविन 11,000 और साथ में एटॉमिक एक्स भी। प्रोफेसर पैडॉक्स क्योंकि बहुत ही पावरफुल है, वो टाइम के साथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं, टाइम में आ जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं और किसी भी एक्स्ट्रा डिमेंशन या फिर ऑल्टरनेट डिमेंशन में भी जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं जहाँ पर स्पेस और टाइम हो और उसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। और नालजियन जिनके बच्चे के टॉय यानी कि बीसी बॉक्स ने ही बैन को काफी ज्यादा परेशान किया था और बैन कि जो वॉच है वो बहुत ही पावरफुल मानी जाती है, लेकिन उसकी भी कॉपी कर ली थी उसने। और उनके पास में बहुत ही एडवांस वेपन होंगे और बैन 10,000 जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग है, वो किसी भी ओमनीपोटेंट का डीएनए स्कैन करके अपने ओमट्रिक्स से उसमें ट्रांसफॉर्म होगा और उसके अल्टीमेट फॉर्म में जाके उसे कई टक कर देगा। और मार्टुएंट जिसकी मैं क्या ही बताऊँ, उसने टाइम वॉर्प कराया था और ये प्रोनो सेपियंस भी टाइम में आगे सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, टाइम के साथ में खेल सकते हैं। और साथ में ग्वेन 10,000 जो कि बहुत ही पावरफुल मैजिशियन है फ्यूचर की, और केविन 11,000 जिस पे 11,000 एलियंस की पावर है। सेलेस्टियल लेवल कुछ कैरेक्टर हैं ट्रांसफॉर्मर्स मैसेजेस की 13 प्राइम्स और गैल्वाट्रॉन जो कि बहुत ही पावरफुल 13 प्राइम्स जो कि बहुत ही पावरफुल है, उन्होंने ही साइबरट्रॉन पर ट्रांसफॉर्मर्स को बसाया था, वही फर्स्ट जनरेशन थे, वो ही गोल्डन एज में रहा करते थे साइबरट्रॉन पर, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा इन्वेंशन किए। और गैल्वाट्रॉन जिसने काफी कई टक्कर दी थी ट्रांसफॉर्मर्स 13 को यानी 13 प्राइम्स को। और इस लेवल के कैरेक्टर मल्टीवर्स को उड़ाने का दम रखते हैं। और मैं आपको बता दूं इस फाइट में इस लेवल पर बैन के जीतने के चांसेस हो जाते हैं 60% और ट्रांसफॉर्मर्स के हैं 40%। रैन जो नेक्स्ट लेवल एग्जिस्ट करता है वो है गॉड लेवल या फिर मल्टी ट्रिनिटी लेवल। बैन की तरफ से कुछ कैरेक्टर हैं जैसे कि स्टारबीट, गैलेक्टिक ग्लाइडर, क्वांटमिलिया और साथ में एलियन एक्स भी। और क्वांटमिलिया ने पूरी यूनिवर्स को क्रिएट किया है, बेंटी यूनिवर्स को। और गैलेक्टिक ग्लाइडर को कोई भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा नहीं सकता, उसके पास में थॉट पावर भी है और एलियन एक्स को तो सब जानते ही होंगे और स्टारबीट उन सब का किंग है एलियन एक्स का। और एलियन एक्स को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है वो भी अपने एक थॉट से, और सिक्स थॉट से उसने पूरे मल्टीवर्स को क्रिएट कर दिया था बेंटी यूनिवर्स में। और इसलिए बोलकर कैरेक्टर ट्रू ओमनीपोटेंट होते हैं और वो अपना खुद का एक अलग यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स बना सकते हैं और उनके लिए टाइम और स्पेस का कोई भी मतलब नहीं होता। और कुछ कैरेक्टर्स हैं ट्रांसफॉर्मर्स में से जैसे कि यूनिक्रॉन, प्राइमस, ऑल स्पार्क और क्विंटिसा। और यूनिक्रॉन के पार्ट से बनाया था प्राइमस को और यूनिक्रॉन के अंदर डार्क एनर्जी बहता है जो कि किसी के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है उसकी एक बूंद भी, और वो अर्थ का कोर भी है। और प्राइमस जिन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स को बसाया था और 13 प्राइम्स को भी बनाया था, ऑल स्पार्क जो कि बहुत ही पावरफुल है उसने भी काफी ज्यादा हेल्प की थी और करता है कॉमिक्स में, और उसने ही 13 प्राइम्स को बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी प्राइमस की। और कुंडिसा जिसने सेरेमिटी की यूनिवर्स में ट्रांसफॉर्मर्स को बनाया था ऑल स्पार्क के अलावा, वो इस फाइट का विनर इस लेवल पर कोई भी नहीं हुआ। और जो नेक्स्ट लेवल आता है वो है सुप्रीम बींग लेवल, और इसमें ट्रांसफॉर्मर्स की तरफ से आते हैं द वन और बेंटिन की तरफ से आते हैं सेरेना एंड बेलिकस, जो कि अपने अपने यूनिवर्स के ट्रू ओमनीपोटेंट, ट्रू ओमनीसिएंट और साथ में ट्रू ओमनी प्रेजेंट बीइंग हैं। और इस फाइट का बने आप मुझे कमेंट में बताना, बिकॉज मुझे डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा, ऊपर से कमेंट में गालियां देंगे आप वो अलग, तो इसलिए आप मुझे कमेंट में बताना कि इस फाइट का बने कौन होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज आप वीडियो देख कर चले जाते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो। और हाँ, किसी ने भी अगर ये बात कमेंट में डाली कि बेन 10 का ओमनीट्रिक्स ट्रांसफॉर्मर्स को स्कैन कर ले, अबे यार थोड़ा सोचा करो, वो एक पूरी स्पीसीज है तो कहाँ तक स्कैन करेगा उसका ओमनीट्रिक्स, एक को स्कैन कर लेगा, चलो मैंने माना,
अगर बेंडिंग ने स्कैन किया तो वो प्राइमस और यूनिक्रॉन का मिक्सर यानी कि फ्यूजन दोनों की पावर को दे देगा एक ट्रांसफॉर्मर डालकर बेंडन को, और वो किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मैं यही मानता हूँ, जब कोई भी एयर में उड़ने वाला व्हीकल हो, लैंड पे चलने वाला व्हीकल हो, वाटर में चलने वाला व्हीकल हो, कोई भी मतलब साउंड वेव स्पीकर है इस टाइप का होगा, उस टाइप की भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और साथ में इंसेक्टिकॉन भी तो है, तो इंसेक्ट में भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, पीडिकॉन में भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जो कि एक ड्रैगन टाइप के हैं, और साथ में ट्रेडिकॉन में भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जो कि डायनासोर है। लेकिन एक थोड़ी टाइम लड़ लेगा और मेरे माना कॉपी भी कर लेगा, तब भी यार बराबर की टक्कर के पड़ेंगे, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। और दूसरी तरफ जो हमारा ऑप्टिमस प्राइम है, मेगाट्रॉन है, प्रेडिकिंग है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये कमेंट में मत डालना, इस बात से कमेंट बिल्कुल मत करना और ना ही कमेंट बॉक्स भरना। और वैसे भी अगर स्कैन कर भी लिया तब भी दाबन तो लड़ने आएगा ही ना, और कौन सा दाबन कोई ट्रांसफॉर्मर है जिसको स्कैन करके बैन कॉम्प्लेक्स में दे देगा बैन कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? फिर भी तो बैन हारेगा, इसलिए बैन को अलग अलग एलियन यूज़ करने पड़ेंगे, अपने यूनिवर्स कैरेक्टर्स भी बुलाने पड़ेंगे यार।